ये आपको जो रेड लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, ये अपनी मशीन की रेंज है। यहाँ पे चारों तरफ से आप देख लो, इस तरफ भी है और ज़्यादा दूर आप वो देखो उस पे। तो अपने पहले वाली मशीन की सेटिंग सही नहीं हुई, दोपहर के अंदर उसमें दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैं करवा बंद करना पड़ता था, गर्म हो जाता था सारा सिस्टम, तो नया पैनल मंगवा लिया। ये तो टूल बॉक्स है, अब पूरा सिस्टम जो है ना वो नया कर दिया, बस लेजर एक बच गया, वो दिखाते हैं। ये पहले वाला सिस्टम था जो अपने कंप्यूटर पे लगा था, लगभग साल पुराना है, साल दो साल, और ये जो है ना धूप के अंदर दिक्कत कर रहा था, धूप के अंदर करावा नहीं चलता था, तो इसको खोल के वापस पैक कर दिया, वापस भिजवा देंगे और अपना नया आ गया। और मशीन ये थी, इसको भी चेंज कर रहे हैं। पहले तो पैनल आपको दिखाते हैं जो नए आए हैं, उसके बाद फिलहाल अपने पास जो ट्रांसमीटर है वो लाइका का है, बाद में एल्फा का नया आएगा। तो इसका सारा सिस्टम हटा दिया, वो ऊपर वाला रिसीवर है और ये इसका कंट्रोलर है, इसकी वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, आगे बैटरी वगैरह की केबल जोड़ दी और ऊपर से उठ करते हैं। ये इसका रिसीवर है, सारी केबल वगैरह इसके साथ में नहीं आई है, और उसमें यह था रोजाना 2-2.5 घंटे दोपहर में रुकना पड़ता था, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा पैनल वगैरह सब नहीं है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है, और मशीन अपने पास फिलहाल अभी लाइका की है, तो ये बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब नई आ जाएगी ये वाली लेजर ट्रांसमिट, उस टाइम आपको दिखा देंगे कौन सा है, वैसे तो अल्फा का ही आना है, और ये भी बढ़िया है। तो सेटिंग सही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं सारा सामान। तो सब कुछ तैयार है, आज इसको लगाने के चक्कर में ना लेट काफी हो गए, 8:30 के आसपास टाइम हो गया। अब ये देख लो, जानबूझ के करना पड़ रहा है, एक तो कलर खराब नहीं होता और एक उधर बांध दिया, और दूसरा आपको पता ही है नजर ना लग जाए किसी की, क्योंकि जब से लेके आए ना तब से कभी दोपहर में बंद हो जाती है, कभी ट्रांसमीटर चलते चलते बंद हो जाता है, इसलिए एक ट्रांसमीटर लाइका का, एक अंदर पड़ा है वो, और एक आज और आ जाएगा, तीन हो रहे हैं ट्रांसमीटर, और टोटल अपने पास 4 ट्रांसमीटर हो रखे हैं। और अब ये पैनल नया आ गया, दोनों नए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अभी चलते हैं, चालू करते हैं इसको। साथ कुछ इस तरीके से हो रहा है, सब कुछ नया ले लिया, फिर भी कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, तो अभी देखते हैं क्या कुछ रहता है। अब बाकी सब चीजें तो ठीक हो गई, पर अब ये नाराज हो रहा है, अब ये बोल रहा है मैं नहीं लेवल करना, आराम से चलाओ। चलो कोई नहीं, अब सेट है, अब सारा सिस्टम एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर में और पता चल जाएगा।
पिलर है ना ऊपर वाला जिसपे ये काइट है वो नया है, इस वजह से घूम रही है उसके ऊपर। कोई बात नहीं, उसको करते नहीं, मैंने एक बार उस पर ना निशानी कर रखी है, अभी ऊपर नीचे ना हो, घूमे भले ही। आपको जो रेड लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, ये अपनी मशीन की रेंज है। यहाँ पे चारों तरफ से आप देख लो, इस तरफ भी है और ज़्यादा दूर आप वो देखो, उस पर ज़्यादा दूर तो क्या, फ़ोन का कैमरा भी नहीं शो करता ना। बाकी आप यहाँ पे देख लो, इस तरीके से ना पूरी ज़मीन के अंदर जो है ना नेटवर्क बन जाता है इसका ऊपर, जो कि अपना जो रिसीवर है ना वो इससे रेंज लेता है और उसके बाद कंट्रोल पैनल के हिसाब से जो है ना लेवलिंग का काम होता है। तो अभी इसको एक बार थोड़ा सेट करके देखा है, मशीन को बिल्कुल ओके है। और अभी ट्रैक्टर जाएगा आगे और अपन जाएंगे घर पे।
ये लेजर होती है वैसे, इसको आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे नुकसान होता है।